गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज की वीडियो होने वाली है एक रिव्यू वीडियो जो कि होने वाली है ये स्विस ब्यूटी प्रो ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट पे। बट बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं एंड आप इस चैनल को देखना कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऐसे वीडियोज आपको पसंद है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड उसके बगल में ही जो घंटी होगी उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। दैट विल मीन अ वर्ल्ड टू मी। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हुए, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा रिव्यू एंड स्वॉचेज ऑफ द स्विस ब्यूटी प्रो ब्लश एंड हाईलाइटर पैलेट। दिस रिटेल्स वॉज समवेयर अराउंड 500 to 550, डिपेंड करता है आप कहाँ से लेते हो। अमेजोन से लोगे तो 550-500 में ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा। इंस्टा स्टोर्स में भी थोड़ा ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो चलो देखते हैं ये पैलेट कैसा दिखता है। इसकी पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है एंड ये बहुत ज़्यादा रेप्लीकेट करता है फ्रीडम कॉस्मेटिक्स और मेकअप रेवोल्यूशन के पैकेजिंग को। एंड इसके अंदर ये पैकेजिंग कुछ ऐसी सी है जो कि ग्लॉस पैकेजिंग, एंड इसके अंदर आपको यू नो पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मिल जाती है यहाँ पे। दिस प्रोडक्ट इज मेड इन PRC, सो यस दिस प्रोडक्ट इज मेड इन चाइना, सो ऑल आर मेकअप आर मेड इन चाइना, सो डोंट वरी ऑन दैट। सो जब मैं इसको ओपन करती हूँ तो कुछ ऐसा सा दिखता है। इसमें एक बहुत ही अच्छा सा मिरर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 6 ब्लशेस मिल जाएंगे, एक हाईलाइटर मिल जाएगा एंड एक ये टॉप ब्लश टॉपर की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये मिल जाएगा। मेरा शेड है इसमें 01। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे शेड्स हैं इसके अंदर, तो आपको काफ़ी सारे शेड्स की वैरायटी मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको स्वॉच करके दिखा दूंगी अपने हैंड पे। हैंड स्वॉच कर लेते हैं इसका सबसे पहले, तो देखते हैं कि कैसा दिखता है। सो लेट्स try out this color. So this is the pink color and this color is right here. So काफ़ी pigmented है ये blush palette. I don't know where you can use this orange. So अच्छा दिखने में this looks more orange in the pan, but when I swatch it, it does not appear that orangey what I was thinking. तो उसके बाद ये वाला जो है ये काफ़ी अच्छा सा pinkish color है and ये light pink color है. Yeah. And this is my favorite. This is very बहुत ही अच्छा सा nice सा light सा color है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। This is how the colors look like. उसके बाद मैं आपके लिए इसका जो highlighter है वो भी swatch कर देती हूँ। This is how the highlighter looks like. मुझे ये highlighter थोड़ा सा chalky लगता है but it looks great, okay? And let's just yeah. Just swatch this acts as a you know nice blush topper. It has sheen and baki sab jo blushes hain usme koi bhi sheen nahi hai, bas ek isko chhod ke this has some kind of sheen. To main apply karti hu kuch blushes ko apne cheeks pe. So I'm taking this kind of brush. It's kind of powder plus blush brush, so blush brush, so you can use it. So I'm just going to take this pink color. Let's mix two of the colors. Okay, can you see the pigmentation? काफी pigmented है. Oh my god, like my face is looking like a clown right now, but it is really pigmented. Like this soft pink color is also very pigmented. I was not expecting this kind of pigmentation on my face, but seriously, just look at that. It is looking so you know pigmented, and let's also use this one because I was really happy about this color. Really nice apricoty, very attractive color. तो उसके बाद मैं आपको ये pink वाला color भी लगा के दिखा देती हूँ. So I am looking like a clown right now, but yeah, that's my job. तो काफ़ी अच्छी सी sheen है इसके अंदर. Just see, parties में अगर आप इसको पहनोगे तो बहुत ही glow करोगे. तो वैसे तो मैंने हाइलाइटर लगा रखा है. ओह माय गॉड, दिस हाइलाइटर, दिस इज ग्लोइंग लाइक एनीथिंग, बट स्टिल आई एम गोइंग टू अप्लाई हाइलाइटर विद दिस ब्रश बिकॉज आई जनरली अप्लाई विद दिस ब्रश ऑलवेज. लेट्स सी. ओके, हियर वी गो. इट्स अ वेरी शैम्पेनी काइंड ऑफ कलर व्हिच लुक्स गुड ऑन ऑलमोस्ट एवरी स्किन टोन. ओह माय गॉड, नाइस. Nice will be an understatement, by the way. Oh my god, I have to blend this properly. I am looking like a clown right now. Yeah, better. Highlighter makes me go crazy. Like,
so crazy about highlighters. So as you can see, it is really nice highlighter. I just want to swatch the highlighter once more. I think I want to do justice to it. So that's how the highlighter looks like. I mean, really glowy, really blingy. So yes guys, that was all about the swatches, and I recommend this palette if you are a makeup artist or you want different types of blushes, or you are a makeup beginner. You can easily go and invest your money in this palette, because this is very inexpensive, plus the packaging is a yay for me. So yes guys, that's about it. I hope you like this video. Make sure to subscribe and like this video, and comment down below if you like this palette or not. So I'll see you guys in my next video. Till then, bye bye sweeties, love you guys.